जो भी हमारे महाराज जी के ऊपर या हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसे जब जब भी सवाल लगाएगा वो करारा जवाब दिया जाएगा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। एबीपी न्यूज को जिस तमाशे की कमी खल रही थी, जिस नौटंकी नुमा संजीवनी की जरूरत पाताल की गटर में पड़े चैनल की टीआरपी को थी और जिस गोदी मीडिया की भेड़चाल में बने रहने के लिए एबीपी जिस तरह की जुगत भिड़ाए हुए है, उन सभी उलटबासियों को साथ धीरेन्द्र शास्त्री का मिला है। जी, उसी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का, जिनके हाल में आपने काफी चर्चाएं सुनी होंगी, जिनके सामने जब अपनी साधना और शक्ति को साबित करने की चुनौती आई तो श्रीमान बीच मैदान से ही 9-2-11 हो गए और जब बाबा जी को अपनी गद्दी खतरे में पड़ती हुई दिखी तो अपने सिंहासन को बनाए रखने के लिए जिसका साथ उन्हें मिला वो था एबीपी। जब सामने से बाबा को चुनौती मिली अपनी दिव्य शक्ति को साबित करने की तो भले ही बाबा बैकफुट पर जाकर खड़े हो गए, लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरे तो एबीपी ने अपने रिपोर्टर को फुल टॉस गेंद बनाकर बागेश्वर धाम के बाबा के सामने पेश कर दिया। बाबा ने एबीपी के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी की फैमिली डिटेल्स भरी सभा में बताकर ये बताने की कोशिश की कि बाबा अंतर्यामी हैं और उन्हें सब कुछ का ज्ञान है। पेशे से भले ही एबीपी का रिपोर्टर खुद को पत्रकार कहता है, लेकिन बाबा की तमाम बातों पर उसे जरा भी शक नहीं हुआ, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो कुछ भी बोला गया ज्ञानेंद्र तिवारी उसे भौचक्का होकर सुनता गया। बाबा बने फिर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ज्ञानेंद्र तिवारी के चाचा का नाम बताया, फिर उसके भाई का और फिर भतीजी का नाम लिया। इतना सुनना था कि ज्ञानेंद्र तिवारी का दिमाग सुन्न पड़ गया और जब दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो तो फिर उससे सवाल की उम्मीद की कैसे जा सकती है। लेकिन सुन्न पड़े दिमाग से जिसकी उम्मीद की जा सकती है उसे पहले आप देख लीजिए। जो भी हमारे महाराज जी के ऊपर या हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसे जब जब भी सवाल लगाएगा वो करारा जवाब दिया जाएगा। तो देखा आपने कि पत्रकारिता के नाम पर भले ही सवाल पूछने की हिम्मत ज्ञानेंद्र तिवारी जैसे रिपोर्टरों और एबीपी जैसे चैनलों के पास नहीं हो, लेकिन एजेंडा के तहत अंधविश्वास, झाड़फूंक, भविष्यवाणी जैसी विद्या को लोगों के दिमागों में ठूसने की अगर बात हो तो यकीनन एबीपी है सबसे आगे। बाबा को मानने वाले इतने जोश में कहें कि जवाब मिलेगा तो समझ भी आता है, लेकिन जब पत्रकार ही किसी बाबा का प्रचारक बन जाए और सड़क पर उतरकर जय जयकार करने लगे तो फिर कहने के लिए और बच ही क्या जाता है। लेकिन एबीपी के इस रिपोर्टर को बरसाती मेंढक की तरह उछलते हुए देखकर पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया, एबीपी न्यूज अब सवाल नहीं पूछेगा बल्कि करारा जवाब देगा। इतनी छीछा लेदर के बाद भी चैनल और रिपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल इन्हें यही चाहिए था। टीआरपी रेटिंग में 7वें नंबर पर चल रहा एबीपी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। टीआरपी पाने के लिए सड़क पर नंगा होकर नाच भी सकता है। अब भला और किन शब्दों में एबीपी वालों तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें लानत भेजे? आखिर टीआरपी की रेस में ये कौन सी और कैसी दौड़ है कि अपने पत्रकारों को एबीपी ने प्रचारक बना दिया है? उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।